नमस्कार दोस्तों, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसके गाइस क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा, जो नंबर्स है दोस्तों वो यहाँ पर लाख में दिए हुए हैं, तो हमें काफ़ी ध्यान देकर काम करना है। और सबसे पहले चीज़ चलते हैं दोस्तों हम लोग इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, सेल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में। इस बार कितना रेवेन्यू आया है तो दोस्तों 295 करोड़ रुपीज़ का, जो पिछले क्वार्टर में 796 करोड़ था और एक साल पहले दोस्तों 686, यानी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही बहुत भयंकर गिरावट है दोस्तों। अदर ऑपरेटिंग इनकम में देखेंगे तो इस बार 2 करोड़ रुपए का है, जो पिछले क्वार्टर में 1.46 था और एक साल पहले दोस्तों ये 8.29 करोड़ थे। बात करें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो इस बार 297.72 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर 798.25 था और एक साल पहले दोस्तों 694 करोड़ रुपीज़ थे। अदर इनकम में जाएंगे तो 107.44 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 37.17 करोड़ था और एक साल पहले 36.76। और जब हम इन सबको जोड़ेंगे ना दोस्तों, टोटल इनकम निकल के आएगी 405.16 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 835.42 थी और एक साल पहले दोस्तों 731.56। यानी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे इनकम में बहुत भयंकर गिरावट है दोस्तों। अब बात कर रहे थे क्या खर्चों ने चीज़ें स्थिति संभाली या और बिगाड़ी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना आया है, 177.41 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 243 करोड़ रुपीज़ था दोस्तों और एक साल पहले 605.48 करोड़ था, ठीक है। लेकिन भाई जब धंधा इतना भयंकर होगा तो खर्चे तो होंगे ही। अब बात कर लेते हैं इन्वेंट्रीज की, तो इस बार पॉजिटिव 53 करोड़ की है, जो पिछले क्वार्टर में नेगेटिव आप कह सकते हैं 129.93, यानी लगभग 130 करोड़ थी और एक साल पहले दोस्तों 165 करोड़, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस की, 135 करोड़ है, ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, 135 करोड़ 134 करोड़। और आप जब डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस देखेंगे तो यहाँ 16.88 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 13.94 ऑलमोस्ट 14 करोड़ थी, एक साल पहले 23.38। बात करें अदर एक्सपेंसेस की तो 70.72 ऑलमोस्ट 71 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 107.41 करोड़ थी और एक साल पहले 76.54। और जब हम तमाम चीज़ों को जोड़ेंगे टोटल खर्चा आएगा मात्र 348.02 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 629.61 करोड़ था और एक साल पहले 678.22 करोड़ रुपीस था दोस्तों, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे, 57.1214 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में ये 205.81 करोड़ थी दोस्तों और एक साल पहले आप कह सकते हैं 53.33 करोड़। तो साल दर साल में गिरावट है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। अब ज़रा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपनी की क्या निकल के आती है। वन सेकेंड, देखिए अगर हम नीचे चलेंगे तो पाएंगे दैट यहाँ पे गाइस कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉस अगर आप देखेंगे ना, इनकम और लॉस फॉर द पीरियड, तो 37.9738 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 153 करोड़ थी दोस्तों और एक साल पहले 43 करोड़। यानी इस बार का जो रिजल्ट है वो वाकई बहुत ख़राब है। EPS देखिए 8.33 से घट के 2.28 है और एक साल पहले के 2.17 से भी ज़्यादा घट चुकी है। और स्टॉक काफ़ी अच्छा रनअप भी दिखा चुका है, तो मुझे लगता है निवेशकों को इस रिजल्ट ने काफ़ी बड़ा झटका दिया दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।